इस वीडियो में आप सीखेंगे त्रिभुज एबीसी की रचना करना, जिसमें आधार दिया है, यानी अगर त्रिभुज एबीसी की बात करूं तो आधार बीसी दिया हुआ है, कोण बी दिया है, तो यानी आप ये कोण भी बना सकते हैं, लेकिन हमें वो बिंदु पता नहीं है जो ए है, जिससे कि हम इसको मिला पाए और ये पूरा बन जाए। बेसिकली ये कोण दिया हुआ है, ये साइड दी हुई है, और जो ये दो साइड है इनका टोटल दिया, इनका योग दिया है। तो पहला काम तो आप ये करेंगे कि एक रफ स्केच बना लेंगे एबीसी, और इस तरह से ये एक रफ में आप बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से ये त्रिभुज बनेगा। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन 10 पॉइंट, ये कंस्ट्रक्शन 11.4 है आपके चैप्टर से, और यहां पर केवल बताया गया है, यहां पर ये नहीं दिया है कि ये 12 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर है, ये सिखाया गया है कि कैसे आप बनाएं। तो देखो हमें सबसे पहले बीसी ड्रॉ करना है, और बीसी दिया होगा, अगर आपके पास प्रश्नावली में क्वेश्चन होगा तो उसमें बीसी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जो भी हो दिया होगा। तो मैं किसी भी लंबाई की एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वैसे आपको वो खींचनी है, और यहां पे हम बीसी लिख देंगे, सिंपल ये हमने लिख दिया है। इसके बाद कोण बी जो है वो दिया हुआ है, तो हमें कोण बी बनाना है, तो इसके लिए जो भी कोण दिया होगा आप वो कोण बना देंगे। तो यहां पर मैं कोण ऐसे बना रहा हूं, लेकिन और ये लंबी लाइन मुझे खींचनी है। अब कितनी लंबी लाइन खींचनी है ये मैं आपको अभी समझाता हूं। सबसे पहले कोण की बात करते हैं, ये जो एंगल है माय डियर, अगर आपके पास ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है या 60 डिग्री है या 90 डिग्री है या 45 डिग्री, आप जानते हैं कि आप इन्हें आराम से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप प्रकार और स्केल की हेल्प से बनाएंगे, और अगर आपके पास ऐसे 40 डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया, जिसको कि आप प्रकार से नहीं बना सकते हैं, स्केल से नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए आप चांदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चांदा होता है, चंदा डी जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके एंगल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर इस एंगल पे हम लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, तो ये एंगल हो गया। अब प्रश्न ये है कि ये कितनी लंबी लाइन होगी। माय डियर, जितना ये लिखा हुआ है AB प्लस AC, अगर ये मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, तो आपको 10 से थोड़ी सी ज्यादा खींचनी है। तो यहां पर ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये थोड़ी सी ज्यादा होगी 10 से, ठीक है, तो मैं यहां पर खींच रहा हूं, और यहां पे आप लिखेंगे x, ये हो गया x, ओके। लेकिन चूंकि ये 10 सेंटीमीटर है तो वहां पर आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर पे ऐसे आप मार्क बना देंगे, ये 10 या 12 जितना भी दिया हो, और इसको लिख देंगे डी। देख ध्यान रखना, अभी डी आया है, अभी हमारा ए नहीं आया है। मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया, बीसी दिया था, ड्रॉ कर दिया, और ये एंगल दिया था, ये एंगल पे ड्रॉ किया एक लाइन, कितनी लंबी लाइन, जितना लंबा ए उनकी जो दो भुजाएं हैं, बाकी दो भुजाएं उनका योग जितना है उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बी से डी तक जो है पूरा योग है, यानी जो ए बी प्लस ए सी है वो होगा बी डी, ठीक है। अच्छा, अब हम सी से डी को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमने सी से डी को ज्वाइन किया, यहां तक तो आपको सब समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल है। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम क्या करेंगे, जो सी डी है उसका निकालेंगे लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर नहीं पता है आपको तो मैंने इस ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि लंब समद्विभाजक कैसे बनाएं, मैं आपको यहां पे फिर से बता देता हूं। यानी इस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो आधे से ज्यादा लंबाई लेंगे, तो इस लाइन की आधे से ज्यादा लंबाई हमने ले रखी है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ऐसे ही हम इस तरफ से करेंगे, तो ये हो गया और ये हो गया है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस लाइन का लंब समद्विभाजक निकाल दिया है, और उसको हम ड्रॉ कर देंगे, तो आप चाहो तो डॉटेड लाइन बना दो, दैट विल बी बेटर, समझ गए, इस तरह से ये बनता है लंब समद्विभाजक। ये जो लंब समद्विभाजक है ये इस लाइन को यहां पर कट करता है, और ये जो कट करता है ये पॉइंट हमें ए मिल गया है, ठीक है। तो अब ए से सी को ज्वाइन करो,
और हमारा आंसर आ गया है, मींस एबीसी त्रिभुज बन गया है। तो इसमें मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं, पहले हमने बीसी आधार ड्रॉ किया क्योंकि वो दिया हुआ है, फिर हमने एक एंगल बनाया, जो भी एंगल होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी होगा, ये तो आप प्रकार से और स्केल से बना सकते हैं, अगर इस तरह के एंगल आए तो चंदे से बनाना, और एक लाइन खींचनी, कितनी लंबी लाइन खींचनी है, जितना बाकी दो भुजाओं का योग लिखा होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो ये हमने खींच दिया एक्स तक। अब इन दोनों को मिला के जो बन रहा है वो बीडी बन रहा है, तो डी पर हम या तो हम कट मार देंगे ऐसे, या फिर हम डॉट मार देंगे, ओके, इट्स कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे डी पे कट मार दिया, ये पॉइंट हमें डी मिल गया। सी और डी को ज्वाइन करना है तो ये हमने किया, इसके बाद इसका लंब समद्विभाजक निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये लंब होता है ध्यान रखना, तो हमने किया, यहां पे रखा, ये चाप ऐसे काटे, यहां पे रखे चाप ऐसे काटे और ड्रॉ कर दिया, और ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक, इस रेखा को जहां पर काटता है वो हमें इसका तीसरा पॉइंट मिल गया ए, ए से इसको ज्वाइन करो और एबीसी हमारा आंसर आ गया है, रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, ओके, यही हमें रचना करनी थी एबीसी की। वेल, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, और अब मैं थोड़ा सा, अगर आप इच्छुक है समझने के लिए कि ये कैसे हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो माय डियर, आपको पता है कि जो ये बीडी लाइन है उसमें दो भुजाएं थी, एक उसमें एबी थी और एक उसमें एसी थी, ठीक है ना, तो अब जो है हमने क्या करना है कि एक लाइन का टुकड़ा यहां से हटाना है जो कि इसके बराबर है, और उसके लिए हमने क्या किया, देखो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये लंब समद्विभाजक है, और ये 90, और ये 90 तभी होता है अगर ये भुजाएं जो हैं, अगर ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, यानी इसके जो ये दो एंगल हैं, ये इन दोनों एंगल ये बराबर होते हैं, ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये है, यानी इसको और इसको प्लस करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, ओके, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन आपको इतनी इसकी आवश्यकता है नहीं अगर केवल रचना करनी है तो। वेल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।